हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम एक इशू पे बात करते हैं। इशू रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है। क्या इशू है कि जब भी हम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरर आ जा रहा है, और उस एरर के सॉल्यूशन के लिए जब भी हम किसी से पूछ रहे हैं तो क्या रिप्लाई आ रहा है कि सबसे पहले तो यही रिप्लाई आ रहा है कि अपने सिस्टम से कैसे मेमोरी को या फिर कैसे फाइल को क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए। मैंने भी बहुत सारे केसेस में ये रिप्लाई किया है, डिपार्टमेंट भी कर रहा है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर कैसे मेमोरी या फिर कैसे फाइल होती क्या है और इसको सिस्टम से क्लियर कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये कैसे या फिर कैसे मेमोरी या फिर कैसे फाइल, जो भी कहिए, ये क्या होता है। क्या होता है कि जब भी पहली बार आप अपने सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, आप क्रोम खोल रहे हैं या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रहे हैं या फिर एक्सेल खोल रहे हैं या फिर कुछ भी खोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक पाथ बना लेता है सिस्टम आपका। पाथ मीन्स एक रास्ता बना लेता है कि हमारा जो फाइल है या फिर फोल्डर है वो कैसे खुलेगा, इसी रास्ते से होके खुलेगा, इसी रास्ते से होके जाना है, या आपका सिस्टम अपने दिमाग में एक रास्ता बना लेता है, ठीक है। तो सिस्टम ने तो वो रास्ता अपने पास फिट कर लिया है, पहली बार आपने खोला उसने वो रास्ता फिट कर लिया। अब जब आप दूसरी बार फिर से उसी प्रोग्राम को खोलेंगे तो सिस्टम जो है उसी रास्ते से होते हुए उस फाइल को या फोल्डर को खोल देगा, क्योंकि उसने वो रास्ता बना लिया है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कुछ एरर आता है रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो क्या होता है कि मान लीजिए पोर्टल पे सारी चीज़ें सही हो गई हैं फिर भी आपके पास एरर आ रहा है, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जब भी आप पोर्टल पे, मतलब कि जीएसटी के पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो पिछले वाले रास्ते को ही फॉलो कर रहा है, मतलब पिछले वाला जो प्रोसेस है उसी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसने रास्ता बना लिया है, तो बार बार एरर आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपके पास कोई रिप्लाई आ रहा है तो रिप्लाई के साथ साथ ये मैसेज जरूर आ रहा है कि क्लियर योर कैसे फ्रॉम योर सिस्टम एंड ट्राई अगेन, मतलब कि पहले जो टेम्प्ररी फाइल आपके सिस्टम में बनी हुई है, कैसे फाइल कहिए या फिर टेम्प्ररी फाइल कहिए, उसको डिलीट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए, ताकि पीछे जो सिस्टम ने अपने दिमाग में एक रास्ता बना लिया है कि इसी रास्ते से मुझे होकर जाना है, वो रास्ता वहाँ से हट जाए और आप फ्रेश काम कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम इसे कि सिस्टम से कैसे फाइल को क्लियर कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये बटन दबाएंगे, इस बटन को विंडोज बटन बोला जाता है, ठीक है। तो विंडोज बटन को दबाए हुए आप दबाएंगे R, ये दबाने के साथ साथ देखिए आपका रन कमांड यहाँ पे खुल के आ जाता है, यहाँ पे रन लिखा हुआ है, इसे हम रन कमांड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आप क्या टाइप करेंगे, फिर से शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के साथ दबाएंगे ये परसेंटेज, ठीक है, आपका आ गया परसेंटेज। उसी तरह फिर आप लिखेंगे TEMP से होता है टेम्पररी, ठीक है, और उसके बाद फिर से आप शिफ्ट दबा के और परसेंटेज दबा देंगे, मतलब कि आपको क्या टाइप करना है, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, ठीक है, और इसको ओके करेंगे। देखिए, ये जो भी हमारे टेम्पररी फाइल सिस्टम ने बनाए हैं, मतलब कि अपने दिमाग में एक रास्ता बना लिया है, मुझे एक प्रोग्राम खोलने के लिए इसी रास्ते से होके जाना है, उसकी फाइल से, ठीक है। तो आप इसको अब डिलीट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आप कंट्रोल ए करेंगे, अब कंट्रोल के साथ ए करेंगे, ये ऑल सेलेक्ट के लिए होता है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए के साथ आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, अब आप इसको डिलीट दबा दीजिए, मैंने किया डिलीट, ठीक है। देखिए देखिए, सारी फाइल्स यहाँ से डिलीट हो गई, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये सारी फाइल जो है मेरे यहाँ रिसाइकिल बीन में चली गई हैं, रिसाइकिल बीन में चली गई हैं, वहाँ से तो डिलीट हो गई बट अभी भी मेरे सिस्टम में पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं फिर से कंट्रोल ए करके इसको क्या करता हूँ, आप देखेंगे रीस्टोर, मैंने रीस्टोर कर दिया, फिर से ये सारी फाइल्स जो हैं हमारे टेम्प फोल्डर में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने रीस्टोर कर दिया था, जो डिलीट हुई थी उसको रीस्टोर, क्योंकि मुझे आपको क्या बताना था, जब भी आप टेम्प फाइल को डिलीट करेंगे आप क्या करेंगे, ये देख लीजिए शिफ्ट के साथ आप डिलीट दबाएंगे, मैंने शिफ्ट के साथ डिलीट दबाया है, देखिए क्या मैसेज आया है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, मतलब कि परमानेंटली डिलीट करता है। आप सिंपली अगर डिलीट दबाते हैं तो फाइल्स डिलीट तो हो जाती है बट वो आपके रिसाइकल बिन में पड़ी रहती है, बट शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट दबाते हैं तो वो परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाती है, इसके बाद ही आपके सिस्टम में कहीं भी सेव नहीं होती है। तो मैं इसे
यस करता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने कंट्रोल ए नहीं किया था, कंट्रोल ए किया मैंने, ठीक है। कंट्रोल ए करके मैं शिफ्ट डिलीट करता हूँ और अब ये देखिए सारी डिलीट हो गई। आइए रिसाइकल बिन चेक करते हैं, देखिए सारी चीज़ें डिलीट हो गई और यहाँ रिसाइकल बिन पे कुछ नहीं आया। एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बताना चाहूँगा कि एक टेम्प फाइल होती है, मतलब कि टेम्पररी फाइल, और एक प्रीफेज फाइल भी होती है, वो भी सेम चीज़ होती है, उसको भी आप साथ साथ डिलीट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। पहले तो मैं विंडोज के साथ आर करके रन कमांड खोल लेता हूँ, उसके बाद आप टाइप करेंगे पी आर ई एफ ई टी सी एच प्रीफेज, बस इतना ही टाइप करना है और करेंगे ओके, ठीक है। यहाँ पे भी आपके टेम्पररी फाइल्स बने होते हैं, इसको भी हम कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, सी टी आर एल और ए एक साथ दबाएंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे और हम इसे डिलीट कर देंगे। आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, परमानेंटली डिलीट, ये भी डिलीट कर दिया। अब हमारा जो है कैसे मेमोरी जो है पूरी तरह से साफ हो गया है, कोई भी हमारे पास पाथ नहीं पड़ा है सिस्टम के पास कि इस काम को हमें इसी पाथ से होके करना है, ठीक है। हमारा सिस्टम रिफ्रेश हो चुका है, अब हम जो भी हमें रिटर्न फाइल करना है वो रिटर्न फाइल करेंगे। होप कि आपका जो काम पहले नहीं हो रहा था वो अब इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी परेशानी है जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड या फिर एक्सेल से रिलेटेड या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।